महिलाओं के इलाज को सहूलियत देने को योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में जुटी है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि इन सेवाओं को सुधारने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वो लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। बुधवार को राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल के जिला महिला अस्पताल के मुआयने ने उसकी पोल खोल दी। यहाँ पर कैंपस में लगे हैंडपंप का तो खूब रंग रोदन मिला, मगर वो पानी तक उगलता नहीं मिला। यही नहीं, अस्पताल में लगी अल्ट्रासाउंड मशीन महीनों से खराब होने के बाद भी अब तक ठीक कराई नहीं जा सकी है। मुआयने में पता चला कि मशीन खराब के चलते अस्पताल के बाहर लखनऊ डायग्नोस्टिक सेंटर से मरीजों के अल्ट्रासाउंड कराए जा रहे हैं। फिर क्या था, उनकी भौहें तन गई और वो फौरन डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंच गई। वहां पर कई मरीजों के पास अस्पताल की पर्चियां भी मिली। इस पर उन्होंने सीएमएस को खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही एसडीएम सदर अमित भट्ट को फोन कर मामले की जांच कर सेंटर को बंद कराने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा राज्य महिला आयोग की सदस्य बंसल ने शमपुर क्लिनिक समेत अस्पताल के वार्डों का भी जायजा लिया। बुधवार को सबसे पहले राज्य महिला आयोग सुनीता बंसल ने खैराबाद के सीएचसी का निरीक्षण किया, जिसमें कोल्ड चैन ऑफिस, वैक्सीनेशन सेंटर, कोविड रूम आदि का निरीक्षण किया। सीएचसी अधीक्षक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नवल किशोर की तारीफ की, कहा कि और अच्छे से काम करो जिससे कि ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। इस अवसर पर एसडीएम सदर अमित भट्ट, अधीक्षक डॉक्टर आर एस यादव, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नवल किशोर मिश्रा, डॉक्टर अनिल कुमार पंकज, नामित सभासद बाबूराम जोशी, अवध विहारी मिश्रा, नगर उपाध्याय अजितेश शुक्ल आदि उपस्थित थे। निरीक्षण के बाद राज्य महिला आयोग की सदस्य बंसल ने आई इंडिया को बताया, मैं सबसे पहले खैराबाद गई थी, वहाँ की जो सीएचसी है उसका निरीक्षण किया, वैक्सीनेशन वगैरह देखा, प्रॉपरली वैक्सीनेशन हो रहा है और अभी जो तीसरी लहर आने वाली है तो उसके लिए भी पूरी तैयारी है वहाँ पे। बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छा सीएचसी लगा मुझे, वो कहीं कोई कमी नहीं थी किसी भी तरीके की। इसके बाद मैं जिला महिला हॉस्पिटल का निरीक्षण करने आई हूँ। यहाँ भी अभी संपूर्ण क्लिनिक है, यहाँ पर फ्री जाँच होती है महिलाओं की, जो भी इम्पोर्टेंट जाँच होती है वो सारी जाँचें यहाँ पर की जाती हैं। तो यहाँ भी सभी चीज़ें ठीक हैं और जो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं तो उसको दूर कर लिया जाएगा। बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हो, इलाज में कोई तकलीफ नहीं हो, सबको फ्री सुविधा मिले, इसके लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं आती हैं, जो उनको अल्ट्रासाउंड कराना, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। अभी हमने जाके देखा है, एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर है, लखनऊ डायग्नोस्टिक सेंटर, यहाँ के मरीज़ वहाँ जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। मैंने भी एसडीएम सदर अमित भट्ट जी से बात किया है और उन्होंने कहा है, मैंने उनको बताया है तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा यहाँ के, मुझे यहाँ के पर्चे भी मिले हैं जो महिलाएं वहाँ पे जाके अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं, ये बात मैंने उनको बताई। उन्होंने कहा कि मैम इसको हम सीज करवा दे रहे हैं। मैम इससे पहले भी सीज हो चुका है? नहीं, अब ये नहीं हो चुका है ना, लेकिन अब ये बिल्कुल सीज हो जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा ऐसी शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। निश्चित तौर पर यहाँ के जो मुखिया हैं, हॉस्पिटल के जो उच्च अधिकारी हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही है, उनको भी वार्निंग दी गई है। ठीक है, तो एक मौका और दिया जा रहा है, अगर दोबारा कहीं देखा गया कि यहाँ से बाहर की दवाइयाँ लिखी गई या बाहर कहीं जाँच लिखी गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और जो प्राइवेट पैथोलॉजी है उसको सीज किया जाएगा। कई तरह की धनुर्वाही हो रही है, एक तो बाहर से कमीशन आ रहा है, दूसरा अंदर धनुर्वाही, कई तरीके से आरोप लग रहा है और प्रमाण भी आपको मिल गया है। नहीं नहीं बिल्कुल, जो भी इसमें इसकी जांच करवा के, जो भी लापरवाही, जिनकी भी लापरवाही होगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।